और अभी हम लंच करने के लिए निकल गए। वंशु ये पढ़ के बता हिंदी में क्या लिखा हुआ है। लोग ये सबसे पहले गलत है, यहाँ पे हम लंच करने आए हैं तो हिमांशु बताएगा इस जगह का नाम क्या है। लेक व्यू आगे की डिटेल शेयर कर दे पहले, इधर फेस करके बता। लेक व्यू वाटर स्पोर्ट्स रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारे यहाँ पर शादी, बर्थडे, किटी, रिटायरमेंट, उचित व्यवस्था की जाती है, हमारे यहाँ भी करी जाती है फोटोग्राफी की। बोलना क्या है। चलो अभी हमारा चंडीगढ़ में है ना, चंडीगढ़ में अभी हम लेक के ऊपर शूट अभी डन हुआ है हमारा। इसके बाद हम उत्तराखंड में थ्री लेक पे निकल रहे हैं, और जहाँ का डिस्टेंस बहुत काफ़ी है तो वहाँ पे चल के दिखाएंगे क्या शूट कर रहे हैं और वहाँ का नज़ारा। और हमारे कपल साथ में है, मैं नहीं बोल रहा, इसको कुछ नहीं आएगा बोलना। हिमांशु को लेने जा रहे हैं, और साथ में हमारे है जैक। जैक ओके ओके, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अचानक ही प्लान बनाया कि थ्री लेक निकलेंगे, अभी वहां पे अल्टीमेट लोकेशन है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, आइए। तो प्री वेडिंग का ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने सब अपना पैकिंग कर ली है, हम निकल रहे हैं थ्री लेक उत्तराखंड के लिए। तो आज का जो हमारा शूट था वो चल रहा था चंडीगढ़ के ऊपर लेक पे, जैसे आपने देखा पहले मैं थ्री बोलता रहा, लेकिन अभी आके देखा तो उस लेक का नाम थ्री लेक है। तो वहां के लिए निकल रहे हैं, जो सिनेमैटिक किट यूज करूंगा मैं वहां पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि सोनी A7S3 की बॉडी यूज करूंगा, 85mm सोनी का 1.8 यूज कर रहा हूं, और 35mm सिग्मा 1.4 यूज करूंगा, और ये है टैमरॉन 2.8 स्तारा ढाई लेंस, और 50mm लेंस वो अभी किट के अंदर है, वो भी निकालते हैं। और हमने गोडक्स LC500 लाइट इमरजेंसी लाइट के तौर पे रखी है, और हम RGB के अंदर यूज करेंगे गोडक्स TL160 लाइट, और साथ में हम कैरी कर रहे हैं ड्रोन को भी, और इसके बाद गिम्बल यूज करेंगे, गिम्बल के ऊपर हम सारा शूट करेंगे और थ्री लेक का व्यू आपको दिखाएंगे, रास्ते में मिलते हैं, और भी बहुत सारी फन आपको दिखाएंगे, शॉट्स भी हम कैसे शूट करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, आइए पे कटनी है, वापिस आ जा। सॉरी एक चीज सबसे जरूरी मैं भूल गया, जो हम ND फिल्टर यूज कर रहे हैं 67mm कैनको का 10 स्टोव ND फिल्टर यूज कर रहे हैं। 67mm का रिंग मतलब हमारे 35 पे भी लगेगा, और हमारे टैमरॉन 17.5 पे भी लगेगा, और हमारे 85mm 1.8 पे भी लगेगा, क्योंकि इन तीनों का आगे का जो दायरा है 67mm का है, और 50 के लिए हमारे पास रिंग है उस पे। तो ये ND फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि धूप हो या ना हो तो इसे डे टाइम में यूज करना ही करना है अगर आपने क्वालिटी निकालनी है तो। हाँ जी तैयारी होगी बिल्कुल, लेक के लिए उत्तराखंड के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। राजन मदान जी जा रहे हैं हमारे साथ, आगे आगे बढ़ते रहिए, आगे बार बार नहीं, आ जाइए। साथ में जा रहे हैं हमारे मनदीप सिंह सिने जोड़ दिया गया इसके नाम के आगे, और साथ में जा रहे हैं हमारे सौरभ धंजर और मिस्टर जैक हिमांशु शर्मा रास्ते में ज्वाइन होंगे, तब आपसे मिलवाएंगे हम। हिमांशु शर्मा हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं थेरी लेक जाने के लिए। जैसे आप लोग देख रहे हो हम निकल रहे हैं, और हमने सोचा कि चंडीगढ़ से पेट्रोल सस्ता है तो यहाँ से डलवा लेते हैं, पेट्रोल सस्ता था तो यहीं हमने डलवाया, तो अभी हम निकल रहे हैं, रात का पूरा सफर है। तो रात को हम निकले थे, अभी पहुँच चुके हैं हम कोटा साहब हिमाचल, तो यहाँ से अभी हम टिहरी पता ही नहीं क्या कुछ है वो, उस लेक का नाम जाके पता चलेगा सही नाम उसका, टिहरी है
विंकी है, टेडी है, क्या नाम है उसका, तभी जाके पता चलेगा। तो अभी हम डिनर करने के लिए रुके हैं, हमारे अमन सर और अर्चना मैम और साथ ही में महक जी। ओके ओके कट, अब कट कर दे यार। लो जी यहाँ से हमने चाय के पैसे दिए हुए हैं लेकिन चाय नहीं पी हमने, लेकिन हिमांशु शर्मा जी बोल रहे हैं कि चाय पी के ही चलेंगे अगर पैसा दिया है तो। हमारा यहाँ से डिनर हो गया, यहाँ से पैकअप करेंगे और यहाँ से निकलेंगे ठहरी लेक। चलो लो जी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी जो टाइम हो गया 5:04 हो गए सुबह के। बाजी सुन दो यार व्लॉग, क्यों यार तू व्लॉग दे चक्कर च काम खराब करी, आधा घंटा सुन है सोलन दो यार। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, ऑन थी हैं, ऑन ही चढ़ाते घोड़ी। ठीक है दोबारा फिर वही इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा था इस टेबल पे, शायद क्या चीज है इसके अंदर, सोफा है शायद। कैसा महसूस हो रहा था आपको इसके ऊपर खड़ा होके? मुझे ऐसा लग रहा था अगर हम यहाँ से गिर गए तो कल को न्यूज आएगी। नीचे बहुत बड़ी खाई है और यहाँ पे हम कौन सी लेक थी भाई, भूल गया यार, भूल गया मैं लेक का नाम नहीं लूंगा, टेहरी, टी से टेहरी। चलो तेन खुरकुर घर दे रोटी रुटी नहीं खाई ऐसे देखा जी। फ्रेशर कपल को समझाना बहुत मुश्किल होता है, आपने देखा कितनी मेहनत लगती है हमें, और चलिए करवाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। रेडी 1 2 3 एक्शन। भाई अभी हम आ चुके हैं टिहरी लेक जो कि मेरे पीछे है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे टिहरी लेक है, बाकी मैं आपको शूट भी दिखा सकता हूं, बट ये तो होता रहता है, कोई लोड नहीं है देखने की। भाई शूटिंग हेयर गुड गुड गुड, वन मोर ऐसी 1 2 3 एक्शन। ये हमारे क्लाइंट हैं, मूवमेंट ऐसी ये, और ये हैं हम, यहाँ पे लोड नहीं है मैं आपको शूट दिखाने की, क्योंकि आप पहले ही बहुत देख चुके हो हमारे शूट्स, तो आई डोंट थिंक सो यू गाइस वांट टू सी दैट। गिर गए थी भाई, गिर गया था मैं, गिर गया अभी मेरा डीओपी असिस्टेंट है जो कच्चा है नाच रहा है। सारे बोलो जय माता दी भाई। ये देखो वैसे हम जिस चीज के लिए आए थे वो चीज हमें शायद मिल जाए, इस चीज के लिए आए थे हम, वो ये हमारा कैंप था, लेक व्यू कैंप एंड कॉटेज गोरणा, क्या लिखा गोरण, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी ऐसी है। ओके गाइस मिलते हैं वापसी पे, मिलते हैं वापसी पे।
चेक। तो अभी आपने देखा हमारे कपल को बुलेट चलाते हुए अमन जी को, तो थोड़ा सा नर्वस थे, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से थोड़े हाथ कांप रहे थे, बोल रहे थे कि अमन जी हाथ कांप रहे थे। नहीं नहीं, वो बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे लिए मच्छर है बुलेट। चलो अब नीचे जा रहे हैं, बोर्ड्स दिखाओ नीचे। सर थोड़ा इधर बैठना, ठीक है मैम ऐसे आप यहाँ पे थोड़ा बैठ के कर लेते हैं। ठीक है और कौन सा किया था सेकंड? किस वाला डन करो भाई। कौन भाई ये अपने नाम वो है एक्चुअली हमारे वो है लेके मैं कुछ और ले चल ड्रोन वाला बैग दे। लो जी शूट कंप्लीट करके आ चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं जहां से हम बैठे थे वहीं से हम बाहर निकलेंगे। तो दो शब्द पूछते हैं, अभी कैसा महसूस हो रहा है, मतलब प्री वेडिंग कम या मतलब क्या फीलिंग ऐसी तो नहीं आ रही कि स्पेशली घूमने आए हैं? तो पूछते हैं हम अमन जी से। हाँ जी अमन जी, अब थोड़ा नर्वस है मुझे पता है, ये सोच रहे हैं अभी क्या, एकदम से जब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते ना तो आदमी के दिमाग में 100 क्वेश्चन घूम जाते हैं कि क्या बोलूँ। तो अब ये बोल लेंगे थोड़ा नर्वस है, फिर भी हंसना नहीं है किसी ने, ठीक है? ओके ठीक है अमन जी, हमें तो लग ही नहीं रहा हम प्री वेड पे आए, हमें लग रहा है कि हम फैमिली के साथ घूमने आए हैं। ठीक है, बारिश हो चुकी है, बारिश का मौसम हो चुका है यहाँ पे, बहुत ही जोरों से बारिश लग चुकी है। मुझे लगता है कट लगाना पड़ेगा मुझे जल्दी से, कट 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 कट। और अभी हम लंच करने के लिए निकल गए। वंशु सर गर्मी तो नहीं लग रही? ठंड बहुत है कह रहे हैं। मैं तो आपको किसी ने बताया नहीं था कि ठंड हो सकती है? बर्बाद है ठीक है। लो जी यहाँ पे शूट हमारा लेख नाम पूरा दिन हो गया भाजी लेख टिहरी। देखो जी सॉरी, सबसे पहले टिहरी लेक है ना, स्पेलिंग दे दिए गए हैं देख लीजिएगा, हमें नहीं पता अभी तक कौन सी लेक है, ये उत्तराखंड में है, लोकेशन दे दी गई है। तो हमारा यहाँ पे शूट सारा डन हो चुका है और हम यहाँ से निकलते हैं। अभी हमारे 5:30 हो चुके हैं शाम के, अभी हम जाने में भी 7-8 घंटे लगेंगे चंडीगढ़। तो अभी हम निकल रहे हैं लास्ट वक्त पे, मैं और मेरा असिस्टेंट मनी एंड हिमांशु शर्मा और हमारे कपल बचे हैं, बाकी सब बंदों की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, सब जा चुके हैं। और मैम लास्ट चंद लाइनें बैकअप करते वक्त कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोशन नहीं मैम, प्रमोशन नहीं नहीं मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे सच में आपका काम बहुत 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 अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्रीवेड में आई हूँ।